हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के बज रहे 2 बज रहे, तो अभी थोड़ा रेडी फेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी ताऊ के घर। पूरा 7 साल बाद जा रही हूँ, शादी के बाद एक बार भी नहीं गई थी। तो शादी के बाद तो शादी की तो 7 साल हो चुका है, उसके बाद ये पहली बार जा रही हूँ। और इधर देखो कहाँ गई, इधर पैकिंग वगैरह हो चुका है और अबरू थोड़ा बाहर गए, उसको भी रेडी कर रही हूँ मैं। और मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, ये वाला ही कुर्ती पहनी हूँ। गर्मी में कॉटन की सही है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और इधर गर्मी बहुत है, कल रात को तो इतना ज़ोर से तूफान आए कि हमारे पेड़ वगैरह बहुत टूट गए। उस दिन भी मैं जिस दिन आई थी उससे एक दिन पहले भी तूफान आया था, फिर हमारे घर की ओर कटहल के पेड़ भी टूट गया था, फिर हमारी जो लाइट की तार वगैरह सब कुछ टूट गया था। तो अभी फिर भी कल थोड़ा कम ही हुआ है तूफान, फिर भी केले का पेड़ वगैरह सारे गिर गया है। और चलो निकल के फिर आप लोगों से बात करती हूँ, तो देखते रहना और बिना स्किप करते हुए देखते रहो। तो हम स्टेशन आ चुके हैं, माजरगाम स्टेशन। और अबरो देखो इधर बैठा है, रुको इधर से। अरे से हाय अबरो, अबरो नींद से जग के आया है। तो हम लोग 3:40 में ट्रेन आएगा, वही पकड़ेंगे। और अभी तक ट्रेन नहीं आया है, जल्दी जल्दी आई हो, कितनी जल्दी वो मैं ही बता सकती हूँ, हाँप रही हूँ इसलिए। तो बजरगाम स्टेशन कैसा है, और मेरी दीदी भी, मैं और दीदी एक ही साथ जा रही हूँ। तो दीदी भी चाँदपाड़ा से ट्रेन में चढ़ेगा और मैं इधर मजरगाम से चढ़ी हूँ। फिर बोनगा जाके फिर ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, उधर फिर सियालदा लोकल पकड़ना पड़ेगा। तो चलो ट्रेन में चढ़ जाओ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। अबरो पूरा हीरो हीरो लग रहा है, और उसका सनग्लास टूट गया है उस दिन, और हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन ट्रेन से टूट गया है, इसलिए पहन के भी नहीं आया। और आसमान की हालत बिल्कुल ख़राब है क्योंकि इधर बारिश हो रहा है डेली। हाय गाइस, तो हम लोग देखो ट्रेन में चढ़ चुके हैं और अब भी इधर खिड़की में बैठा है, और उसके क्या 2-3 छींक आया था। उसके मुंह के ऊपर अगर थोड़ी सी भी धूप गिर जाए तो छींक आता ही आता है। अब देखो खिड़की में से ये जो हरियाली है, ये जो व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। तो हम जा रहे ताऊ के घर, वो तो कह ही दिया। और अबरू ट्रेन में से एक वो पापा की पैकेट लिया था। इधर देखो मेरी ताई भी बैठ चुका है, 2 दामाद है, और मेरे पति तो आया नहीं है। और मेरी दीदी की पति मतलब जीजा जी वो शाम को आएगा, और जीजा जी आ चुका है, उनको अभी मेरी ताई आरती उतारेगी वही। और सामने देखो सारे सुबह की जो आरती के टाइम जो खाना वाना देना पड़ता है वही, सारे फल वगैरह। अभी जो फल की टाइम चल रहे, कटहल, आम, लीचू, फिर जाम, बहुत कुछ है, फिर मीठा बहुत कुछ है। और अभी दे रहा है दही की जो टीका होता है वही लगा रहा है। और इधर छोटा सा एक मेरा भाई है, उसको भी टीका लगा रहे हैं मेरी ताई। और इधर रखे हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी पतिदेव तो अभी भी आगरा में ही है, उनको ये जो जमाई षष्ठी है अभी भी उनको शादी के वक्त नसीब में नहीं आया है। तो कहा कि अगले साल जरूर आएंगे जमाई षष्ठी में। तो अभी देखो आरती हो रहा है, और चलो देखते रहो और बिना स्किप करते करके हमारे वीडियो कंटिन्यू करते रहो। तो ये पहली बार देख रहे होंगे जमाई षष्ठी, बंगाली जमाई षष्ठी। दामादों को उस दिन बहुत लाड प्यार से खाना बना खिलाता है। तो चलो देखते रहो, और हम भी सारे बहनें एक जगह पर बैठे एंजॉय कर रहे, बातें कर रहे बहुत दिनों के बाद। और ये देखो सारे तीनों दीदी बैठे हैं और मैं इधर वीडियो कर रही थी,
और सब लोग इतना बातें कर रहे थे और मेरी ताई भी इधर खाना वाना बना के तैयार हो गई है। दोपहर का खाना है बना लिया है, मछली की झोल, और इधर देखो ताई खाना बना रहा है। और मेरी ताई बहुत अच्छी है, और इधर बनाया है परमल से आलू की सब्जी, और उसके अंदर चिंगड़ी मछ दिया हुआ है, इसको कहते हैं पोटल चिंगड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है मतलब, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, ताई ने बहुत अच्छी बनाई थी। तो देखो अभी सारे दामादों के लिए थाली सजाए सब, আমার ফোনে ঠিক শোনা যাবে না। তিন দামাত হে, তিন দামাতো কে লিয়ে তিন থালি সাজায়া, চার হতা লেকিন মেরে পতি আয়া নেই হে। তো সব লোক খানা খানে বেঠ গয়ে সারে জিজাজি, তো চলো দেখতে রহো। আর দিদি বগেরা সব লোক ভি বেঠ গয়ে, আর মে জলদি খানা খা লিয়া থা, মেরে পতি আয়া নেই হে, তো কিসকে লিয়ে বেঠ করুঙ্গে না। ताऊ के घर के सामने बहुत बड़ा एक मैदान है, उसमें देखो सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ताऊ के घर आके बहुत इंजॉय कर रही हूँ हम लोग। और ये देखो अबरो और पुकू मेरी दीदी की लड़की दोनों काम कर रहे हैं मिट्टी खोद खोद के। इन दोनों का मतलब क्या कहूँ, उनका कभी भी झगड़ा होता है, कभी भी इतना प्यार आता है, फिर एक साथ खेलेगा, फिर लड़ाई करेगा। तो ए रे 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 बुको 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 ना था भाई छोटो ना अन्ना 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 माथा लग बने शोर हम सब लोग मिलके आम खाने बैठी हूँ। देखो कितना सारा आम कट के फिर हम लोग खाए हैं। रोड है ताऊ के घर, और घर के सामने ही एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन इसका एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पर शाम को क्रिकेट वगैरह सब लोग खेलते हैं। देखो कितना हरियाली है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है इधर आना। जब आगरा में रहती हूँ बहुत मिस करती हूँ ऐसी हरियाली वगैरह। और दीदी वगैरह सब लोग सुबह की खाना वाना खा के फिर थोड़ा अभी रेस्ट कर रहे हैं, और शाम को देखूंगी हम लोग बिरयानी भी बनाएंगे। तो चलो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय।